बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे बड़े मज़ेदार से चिकन बंस की रेसिपी। चलें तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब मैं पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। एक छोटा प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे इसमें। अब अनियंस को हम इतना कुक करेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए और थोड़ा नरम हो जाए। प्याज हमारा रेडी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक डालेंगे चॉप। एक मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम 400 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। और इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट और अकॉर्डिंग योर टेस्ट 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून ऑफ केचप, 1, 2 एंड 3। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 1 टेबलस्पून इसमें वाटर शामिल करूंगी। फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे कि चिकन जो हमारा अच्छी तरह गल जाए। चिकन गल गया। अब मैंने फ्लेम को क्योंकि हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। इस आंच पर बनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने पर हम इसे चॉप करेंगे। अब बंस बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इस कप से 1.5 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ, आप वाइट भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी 2.5 टीस्पून खमीर यानी कि यीस्ट, 2.5। अब ऐड करूँगी इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 अंडा। अंडा ऐड कर रही हूँ। अब हम पहले अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मिल्क का। और इसको भूनते जाएंगे। अब ये देखें इस तरह हो गया, ताकि हमें फिर पता होगा हम ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। अब मैं वाटर ले रही हूँ एज रिक्वायर्ड। मैं कितना यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी। वार्म वाटर हमने लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊँगी और इसे डो बनाते जाएंगे। हाफ कप पानी मेरा यूज़ हुआ है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऊपर ऑयल लगा के। 1 टेबल स्पून हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के इसे छोड़ देंगे 1 आवर के लिए। चिकन हमारा ठंडा हो गया। अब इसे कटिंग बोर्ड पे रख के मैं छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। चिकन बिल्कुल नरम है, बड़ी आसानी के साथ कट रहा है। और ये देखें छोटे पीसेस में कट गया है। इसी तरह हम सारा चिकन कट कर लेंगे। आप चाहें तो फोर्क की मदद से भी और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। चिकन हमारा छोटे पीसेस में कट के रेडी है फिलिंग के लिए। 1 आवर हो गया है।
अब इसको हम नीट करेंगे अंटिल कि इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ बन जाए। स्मूथ टेक्सचर हमारा हो गया है। अब हम जो है इसके बॉल्स बना लेंगे, और कम से कम 8 बॉल्स इसके बना सकते हैं आप, 6 से 8, छोटे साइज के बड़े वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कितनी फिलिंग आपने रखनी है, जो हमने कुक किया था, और चीज़ चाहिए श्रेडेड चीज़। बंस को बेक करने के लिए मैंने ये ट्रे ले ली है, और इसमें हम थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ट्रे हमारी रेडी है। चीज़ ले ली है मैंने 1/2 कप, या जितनी भी मकदार आप डालना चाहते हैं उस लिहाज से आप चीज़ ले लें। और इसको उठा के अब हम ऐसे, ये देखिए ज़बरदस्त सा बन हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे चिकन बंस बना लेंगे और फिर बेक करेंगे। सर्कल बना के उसी ऑयली हाथ की मदद से आपने इसको फैला लेना है, स्प्रेड करना है थोड़ा सा, ऑयल से ज़रा ईजी हो जाएगा। अगर आपको हाथ से इजी नहीं हो रहा तो आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसमें हम चिकन की फिलिंग डालेंगे, फिलिंग ज्यादा भी हो तो अच्छी लगती है, मजेदार। अब इसमें थोड़ा चीज ऐड करेंगे। अब हम इसको साइड से ऐसे उठाते जाएंगे और ऐसे ऐसे इसको बंद करते जाएंगे, ऐसे थोड़ा इसको नीचे दबा लें। हम पर्पस जो है इसको ऐसे बंद करना है हमने, ठीक है। जबरदस्त सा पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। तीसरा बन हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा फासला छोड़ के रखें, मैं 6 बन बना रही हूँ थोड़े बड़े साइज के, तो एक्सपेंड होंगे तो एक दूसरे के साथ चिपके ना। 6 बन हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसके बाद इसे बेक करेंगे। मैंने जो है ओवन को प्री हीट पे लगा दिया है। 5 मिनट हो गए हैं। अब इस पे हम एक अंडा फेंट के वो लगाएंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आए। ये अंडा एक पूरा मैंने फेंट लिया है। अब हमने तमाम बंस पे जो है वो अंडा लगा दिया। अब हम तिल लगाएंगे, सफेद तिल। अगर आपके पास काले भी हैं तो वो भी मिक्स करके लगा लें, बहुत ही अच्छे लगेंगे। थोड़े से आप स्प्रिंकल कर दें। चलें जी, ओवन प्री हीट हो गया है। अब हम बंस को ओवन में रखेंगे। मज़ेदार से चिकन बंस हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।